जिंदगी का दूजा नाम स्ट्रगल है ना, जो थोड़ा संघर्ष मुक गया वो जिंदगी में चलद्या ना जिंदगी है। तो यहोजियाँ हर्डल्स क्रॉस करके ही बंदा यानी कि किसी मुकाम वाल वाद है। तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया वीडियोस को, तो क्या मेरी YouTube से फर्स्ट इनकम आई है एंड अब उसका मैं रिएक्शन रिकॉर्ड करता हूँ, जाके मम्मी पापा को देता हूँ, देखते हैं क्या रिएक्शन उनका। बट मैं आपको ये डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि इनकम कितनी, क्योंकि इनकम को डिस्क्लोज नहीं करता, बट आई एम अर्निंग गुड। एंड बता, आप लोगों को अगर यूट्यूब पर अपना करियर बनाना है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत ही अच्छे अच्छे आपको मतलब स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे, इवन यूट्यूब खुद ही इतना पे करता है कि आप मतलब आप आराम से ना एक जॉब से तो अच्छा कमाई सकते हैं। तो अभी जाके फटाफट रिकॉर्ड करते हैं, पापा मम्मी की रिएक्शन आपको दिखाते हैं कैसा लगता है जब फर्स्ट इनकम आती है। ये मेरी लाइफ की फर्स्ट इनकम नहीं है, बट मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम है जो मैंने ऑनलाइन कुछ बनाया। तो जब मैंने जनवरी में स्टार्ट करा था गाइस, तब लगा नहीं था कि कर पाएंगे, क्योंकि जब देखते थे ना उसको बार बार कि 4000 आवर्स हैं, 1000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन गाइस करते रहो, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजिली हो जाता है। आप में टैलेंट है तो रुकोगे नहीं, आपको 1% भी किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं कि मेरा चैनल मोनेटाइज कर दो, कुछ जरूरत नहीं है। आप में टैलेंट आओ, आप कहीं नहीं रुकोगे, आप निकल जाओगे। और घर जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं पापा की रिएक्शन। हेलो, कैसा लगा मैं आपको मेरी फर्स्ट इनकम देख के यूट्यूब से? बहुत खुशी की। मैंने बोला था ना आएगी इनकम, आप बोल रहे थे कब तक आएगी, आ गई अब। खुश हो? वेरी गुड। आपको कैसा लगा बाबा? आज हम जा रहे हैं फास्ट 10 देखने, बिकॉज बहुत दिनों से प्लान था हमारा, खैर मूवी तो कल आई है, पर प्लान में बहुत पहले बना लेते कि फास्ट 10 देखने जाएंगे। और अभी जिम से फ्री होकर सीधा ही हम फ्रेशन अप होकर जा रहे हैं। तो हम लोग आज स्विफ्ट लेके जा रहे हैं, स्कॉर्पियो हमने घर पे खड़ी कर दी है, उसका रीजन मामा बताएगा पीछे। एक्चुअली ना मतलब आज मूवी देखने का सीन ही हो गया, मतलब स्कैम हो गया एक तरीके से हमारे साथ। ट्रेलर वगैरह पे हमने डेट देखी थी तो 19th में आ रही थी, बट वो थी यूएसए वगैरह की जो ग्लोबल डेट थी, वो बेसिकली इंडिया की जो अपनी डेट थी वो 18th को ही कल रिलीज हो गई। तो इस चक्कर में हम एक दिन लेट हो गए, नहीं तो भाई हमारा प्लान था फर्स्ट डे ही देखने जाएंगे। बाकी फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला तो खैर मिलता नहीं टाइम, क्योंकि सुबह सुबह तो सबको काम, अब रात होती फटाफट कॉलेज से घर आए और अब चलते हैं मूवी देखने। तो गाइज मैंने क्या है ना, स्कॉर्पियो मैं इसलिए नहीं लेके आया बिकॉज रात को मेरे पास क्या विन डीजल का फोन आया 2 बजे और उसके बाद जॉन सीना का फोन आया, बोले सर अगर आप स्कॉर्पियो लेके मूवी देखने जाओगे तो हमारी मूवी तो कोई देखा गया ना, वही तो कोई नहीं देखेगा। और दूसरी बात ये हो गई कि भाई वो फास्ट जो 11 आ रही है उसमें क्या प्रोड्यूसर से बात हो गई थी हमारी, उन्होंने कहा कि आप मैग्नाइट स्कॉर्पियो को रखो, उसको 11 में काम लेंगे हम, तो आप ऐसी गाड़ी की वो मतलब वैल्यू कम मत करो बार बार दिखा करके। तो इस चक्कर में रुके हुए हम, तो उससे जाना था हमारा आज। तो वो तो विंड डीजल की बात रखने के लिए हम पेट्रोल गाड़ी लेके आए, क्योंकि यार वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे से कि आप हमारी मूवी अंडर रेटेड कर दो, तो हम ही अंडर रेटेड होकर जा रहे हैं इस गाड़ी में, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हम किसी को दिखाएं। कह रहे गाड़ी बहुत मस्त है, गाड़ी अंडर रेटेड है, लेकिन हम छुप छुप के जा रहे हैं बिकॉज हम नहीं चाहते उनकी मूवी खराब हो जाए, लोग देखे ही नहीं बेचारों ने इतनी मेहनत करी है। लेकिन उन्होंने फास्ट 11 का ऑफर दे दिया सीधी सी बात, तो हम दोनों को लीड हीरो का उसमें ऑफर मिला है, अब बस फास्ट 11 में देखना हमें। फुल हवा भाई। देख मामा, अगर अपनी सीट अलग लगी तो मैं तेरे को एक ही चीज बोलूंगा, अलग हुई ना सीट अपनी भाई, तू चिंता ही मत कर, गद्दारी कर। एनर्जी लो है आपकी, मूवी तो आपकी मतलब विंड डीजल से रात को बात नहीं हुई थी? मेरी बात हुई थी यार, कह रहे थे कि गाड़िया वाड़िया अपनी थोड़ी नॉर्मल वाली लेके जाना, वो तो सब लोग आ जाएंगे नीचे हॉल से उतर करके और गाड़ियां देखेंगे। नहीं वो तो ठीक, वो तो ठीक है, मैंने इसलिए कहा, मैं कहा यार आप बुरा मत मानो, हम आपकी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, विन डीजल को मैं नहीं बोला, हम हमारी गाड़ी लेके जाएंगे, आप मस्त शूट करो। अब देखते हैं उन्होंने अब हमें तो लिया नहीं इस मूवी में, अब देखते हैं उन्होंने क्या बनाया है। टेन में देखते हैं ना उन्होंने कहाँ स्टोरी छोड़ी, फिर आगे की स्टोरी अपन बना देंगे उनके लिए, अपने ब्लॉग में बना देंगे भाई 11 पार्ट अपन।11 गाड़ियों के टायर चुराएंगे, क्या हो गया? विन डीजल ने वीआईपी एंट्री नहीं कराई आपकी? वीआईपी एंट्री ये स्क्रीन वन है ना,
अच्छा तो विन डीजल ने वीआईपी एंट्री नहीं दी आपको? भाई यार वीआईपी एंट्री दे देता पर भाई ना, अच्छा वो कंफर्म कर रहे थे नेक्स्ट मूवी हीरो आप ही हो क्या? वो कंफर्मेशन ले रहे थे? कंफर्मेशन ले रहे थे भाई, 11 पार्ट यहां पर रखा है। देखो भाई सारे कॉपीराइट आ सकता है भाई, रिकॉर्ड मत करना, गाने मत, स्टार्टिंग मिनियन चल रही है तो। And the Super Mario Brothers movie. There's a huge universe out there. This year. भाई चश्मे की दुकान खोलेंगे बाहर जाके। तो गाइस ये एस्थेटिक चश्मा मिला है, मैं बिल्कुल एस्थेटिक लग रहा हूँ मैं। मामा ने नहीं लगा रखा, अंदर छोड़ा है। कैसा लगा? छोड़ गया भाई, अभी तक तो मूवी से बताओ ना, ऑनेस्टली तो मस्त मूवी है भाई। अभी तक तो इंटरवल तक तो काफी मजा आया, बाकी देखते क्या रहता है। मूवी तो बहुत जबरदस्त है। बाकी भाई अपने रोमन भाई की जो कॉमेडी है वो तो मतलब कोई नेक्स्ट लेवल कॉमेडी है भाई, वो टक्कर कोई नहीं दे सकती हिंदी डबिंग में भाई। ये फायदा है देखने का कि मूवी बहुत शानदार लगती है, फनी लगती है, और अभी सस्पेंस चालू है तो भाई गाइस कुछ सोचो मत मूवी देखने जाओ। अगर फास्ट फाइव देखी ना आपने, बिल्कुल इतना तो बता सकते हैं हम कि फास्ट फाइव की आगे की कंटिन्यूशन में ये स्टोरी बहुत जबरदस्त है, हमें बहुत मजा आ रहा है। अभी इंटरवल हुआ है, बहुत सस्पेंस है, अभी सस्पेंस छोड़ दिया उन्होंने, तो अंदर जाके मूवी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस डन एंड डस्टेड फॉर द डे, मूवी बहुत शानदार थी, आप लोग बिल्कुल जाके देखो। बट मूवी में क्या है, लास्ट में बहुत तगड़ा सस्पेंस छोड़ा है। मतलब क्या है, एफएफ सीरीज में क्या होता है ना, बेसिकली स्टोरी कंप्लीट कर देते हैं, बट इसमें क्या करा ना उन्होंने, लास्ट में बहुत तगड़ा सस्पेंस छोड़ दिया है अगले पार्ट के लिए। तो और मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको, कोई स्पॉइलर नहीं देना, बट जाके देखो मूवी बहुत शानदार है। ये पार्ट ही बहुत बढ़िया, इसका अगला जो आएगा वो तो फिर बस इन्होंने सस्पेंस ऐसा क्रिएट कर दिया कि वो देखना ही देखना है कैसे करके। तो ऑलराइट गाइस टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मेरे को टैलेंट बंद बड़ी गल्ला करने की लड़ नहीं होंगी, बड़ी दसन की लड़ नहीं होंगी, मैं कि नहीं करूँगा ठीक है ना, किसी कोई कंपैरिजन नहीं मेरा, मैं आपकी वधिया जिंदगी मेरी अलग लेना, मैं आपका काम कर रही हूँ।